बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स बेसिकली जो ये टॉपिक है एनर्जेटिक्स, तो कोई भी फिजिकल परफॉर्मेंस करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक है बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स। तो किसी भी जैसे अगर फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी जो आती है उन्हें मतलब जो लिविंग थिंग्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस लिविंग थिंग्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स बोलते हैं। देयर आर सम कंटेंट लाइक दैट इंट्रोडक्शन, लिविंग सिस्टम यूज वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर इंटर कन्वर्टिएबल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटर कन्वर्टेबिलिटी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द एनर्जी। आगे भी एक टॉपिक्स चलेंगे, तो आज बस इतना ही होगा इस टॉपिक में, स्टार्ट करते हैं। सो इन बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इट्स स्टोरेज एंड इट्स यूज आर सेंट्रल फॉर द इकोनॉमी ऑफ सेल एज दे आर द मैनेजमेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज। जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और उसका स्टोरेज होता है, वो एक सेंट्रल इकोनॉमी के पर्पस के लिए यूज होता है, जो सेल्स में यूज होता है, और जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज होता है। सेल रिक्वायर एनर्जी टू डू ऑल देयर वर्क। सेल में एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट होती है, तो जो वर्क होता है उसे कंप्लीट करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इंक्लूडिंग द सिंथेसिस ऑफ शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन फोटोसिंथेसिस, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स एंड द रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। अगर सेल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो जो जो पर्टिकुलर वर्क है उसका उसे कंप्लीट करने के लिए होगी। जैसे अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो शुगर का बनना कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से फोटोसिंथेसिस में, वहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मसल्स का कंस्ट्रक्शन, मसल्स का बनना और जो मसल्स में कंस्ट्रक्शन वर्क होता है और डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है, वहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एनर्जी में बी डिफाइन एज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एनर्जी एक एनर्जी में ये एबिलिटी होती है कि वो वर्क को कर सके। अ कंसेप्ट दैट इज इजी टू ग्रैप व्हेन इट इज अप्लाइड टू ऑटोमोबाइल इंजन एंड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये कंसेप्ट तब ज्यादा अच्छे से समझ में आता है जब इसे ऑटोमोबाइल इंजन और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। When we consider the energy associated with chemical bond and chemical reaction within cell, however the concept of work become less intuitive. तो अगर हम एनर्जी को केमिकल बॉन्ड या केमिकल रिएक्शन के साथ अगर हम इंट्रैक्ट कर दें, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? वो आ जाएगा बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स की फॉर्म में। Like that, living system use various form of energy which are interconvertible. Interconvertible मतलब अंदर ही अंदर उसका चेंज होना, that is the interconvertible. ठीक है, तो there are two principal form of energy. Energy के energy two form में होती है, कौन कौन सा? Kinetic and potential. तो kinetic energy कौन सी होगी? Kinetic energy is the energy of movement. ठीक है, एनर्जी का मूवमेंट होना, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मूव करना, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी इज मोर इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल और केमिकल सिस्टम। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का मूव करना वो काइनेटिक एनर्जी में आएगा, मॉलिक्यूल का मूव करना। एग्जांपल के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी इज मोर इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल और केमिकल सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी में हीट और थर्मल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हीट या थर्मल एनर्जी भी काइनेटिक की फॉर्म में होती है। द एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर हीट टू डू वर्क।
तो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है, जो मूवमेंट करने की पावर होती है किसी भी वर्क को करने के लिए, इट मस्ट फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर। उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वेयर द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल मोशन इज ग्रेटर, जहां पर जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा वो हाई होगा टू वन द लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर से ज्यादा होगा। डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफन एग्जिस्ट बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ सेल। और अगर जैसे ही अगर काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो जो मॉलिक्यूल का जो जो सेल का टेम्परेचर होगा इनर और आउटर साइड दोनों जगह अलग अलग होगा। ठीक है, जो एनवायरमेंट होगा सेल का वो भी दोनों जगह डिफरेंट होगा। हाउएवर सेल जनरली कैन नॉट हार्नेस दीज हीट डिफरेंशियल टू डू वर्क। जनरली तो सेल इस चीज को शो नहीं करती है कि वर्क करने के लिए कि उसमें डिफरेंसेस दिखाई दे, लेकिन क्या होता है कि अगर इंटरनली एनवायरमेंट सेल का देख रहे हैं तो वो अलग होता है कंपेरिजन टू आउटर एनवायरमेंट। Even in warm blood animals that have evolved a mechanism for thermoregulation. Thermoregulation का mechanism blood warm animals में produce होता है। Kinetic energy of molecule is used chiefly maintain organism temperature. तो kinetic energy में जो molecules, अगर किसी molecule के ऊपर काइनेटिक एनर्जी अप्लाई हो रही है तो वहां पे ऑर्गेनिज्म का जो जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। सो अभी इसी स्लाइड को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी में रेडिएंट एनर्जी होती है। जो रेडिएंट एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। रेडिएंट एनर्जी फोटोन की काइनेटिक एनर्जी होती है या वेव्स ऑफ लाइट की काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड इट इज क्रिटिकल टू बायोलॉजी, जो कि जो बायोलॉजी के जिसकी बायोलॉजी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। रेडिएंट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है फॉर इंटेंस, जैसे कि वेल लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल एंड द एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूलर मोशन। जब लाइट मॉलिक्यूल के थ्रू एब्जॉर्ब होगी तो लाइट एनर्जी कहाँ पे कन्वर्ट हो गई? रेडिएंट एनर्जी में। इट इज कन्वर्टेड टू द मॉलिक्यूलर मोशन। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल एंड इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इंटू अदर टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, सच एज दैट स्टोर इन कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, जब हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा होता है तो जो क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, तो कैप्चर करने के बाद वो उसका जो बायोकेमिकल लाइट एनर्जी को सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही तो फोटोसिंथेसिस है। सनलाइट आई, मॉलिक्यूल ने कैप्चर की, फिर उसे कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में आप मैंने आपको पढ़ाया था कि एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटीना मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जहां से एनर्जी बेसिकली पिकअप होके जाती है। ठीक है, तो एंटीन तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पे जब एनर्जी कैप्चर्ड होगी, कैप्चर्ड होने के बाद वो बायोकेमिकल एनर्जेटिक से केमिकल बॉन्ड्स में कन्वर्ट होगी, तो वो होगा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि रेडिएंट एनर्जी उसे हम बोलेंगे। रेडिएंट एनर्जी होती है इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। जो रेडिएंट एनर्जी फोटोन आप जब रिएक्शन करते हो फोटोसिंथेसिस में, तो वहां पे फोटोन का एक शाइन रहता है इटैलिक में स्मॉल बी, वो होती है रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑल्सो काइनेटिक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी होती है। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन और अदर चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, उसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है या चार्ज पार्टिकल में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं।
बात करते हैं सेकंड एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी जिसके जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, मॉलिक्यूल के मूवमेंट में. जैसे कि रेडिएंट एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, दो टाइप्स की आई, रेडिएंट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी. अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. सिवरल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट. सेंट्रल टू बायोलॉजी इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द बॉन्ड कनेक्टिंग एटम इन मॉलिक्यूल्स. पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर रहती है. किस फॉर्म में? स्टोर इन द बॉन्ड कनेक्टिंग एटम्स इन मॉलिक्यूल. इंडीड मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब इन द बुक इन्वॉल्व द मेकिंग ब्रेकिंग ऑफ एटलीस्ट वन कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड. वी रिकॉग्नाइज द एनर्जी व्हेन केमिकल अंडरगोज एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन. जैसे एग्जाम्पल शुगर ग्लूकोज, ठीक है, इज हाई इन पोटेंशियल एनर्जी. शुगर और ग्लूकोज में क्या रहता है? एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है. तो शुगर और ग्लूकोज में स्टोर रहती है एनर्जी, इसलिए दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सेल डिग्रेड ग्लूकोज कंटिन्यूअसली. सेल्स कंटिन्यूअसली ग्लूकोज का डिग्रेडेशन करती है. एंड इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड इज हार्डनेस टू मेनी काइंड ऑफ वर्क. तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो जब एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है तो वहां पर वो एनर्जी किस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में जाती है? काइनेटिक की फॉर्म में जाती है. पोटेंशियल एनर्जी दैट मींस जब एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, तो उसे बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी. सेकेंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू विच वी शैल रेफर ऑफन इज द एनर्जी इन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. वहां पे क्या था? रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जो सेकेंड फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी की वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन वन साइड ऑफ अ परमिएबल बैरियर सच एज मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर साइड द रिजल्ट इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट वाले लेक्चर में दिखाया था प्लाज्मोडेस्माटा के केस में, वहां मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेडियंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वहां पे यूज हो रहा था, एक तरफ हाई था तो दूसरी तरफ लो था इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. तो जो सब्सटेंस होगा, जो सब्सटेंस का कंसंट्रेशन होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ हाई होगा तो दूसरी तरफ एज ए बैरियर काम करेगा. इज डिफरेंट फॉर्म दैट वन साइड द रिजल्ट इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो उससे क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निकल के आएगा. ऑल सेल्स फ्रॉम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन देयर इंटीरियर एंड द एक्सटर्नल फ्लूइड बाय सेलेक्टिवली एक्सचेंजिंग न्यूट्रिएंट. जितनी भी सेल्स होती हैं जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाती हैं, अब कहाँ पे बनाती हैं? उनके इंटीरियर और एक्सटर्नल फ्लूइड के न्यूट्रिएंट के बीच में, तो वो सेलेक्टिवली एक्सचेंज होते रहते हैं. सेलेक्टिवली एक्सचेंज न्यूट्रेंट बेस्ड प्रोडक्ट एंड आयन विद देयर सराउंडिंग. ऑल्सो कंपार्टमेंट विद सेल फ्रिक्वेंटली कंटेन डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ आयन एंड देयर मॉलिक्यूल्स. कंपार्टमेंट यानी कि जो सेल सेल वॉल होती है, सेल वॉल में जो सेल वॉल में लेयर्स होती हैं, मिडिल लेयर, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, उसमें भी जो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है. तो द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन अ लाइसोसोम एज वेल एज वी शॉ इन लास्ट, ये हम लास्ट में देखेंगे. तो लाइसोसोम के अंदर भी जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन होता है वहां भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है. साइटोसोल्स के अंदर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है. सो अभी तक पोटेंशियल एनर्जी का जो पहला फॉर्म था वो था जैसे कि शुगर की फॉर्म में जो स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है एटम के अंदर, ठीक है, स्टोर हो रहा है एटम के अंदर, तो वो पहला फॉर्म था इसका. और जो पोटेंशियल एनर्जी का सेकेंड फॉर्म था वो था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की फॉर्म में. और जो पोटेंशियल एनर्जी का थर्ड फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की फॉर्म में. कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में. तो द थर्ड फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन सेल्स इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. द एनर्जी ऑफ चार्ज सेपरेशन
For instance, there are gradient of electrical charge about 2000 volts per centimeter across the outer or plasma membrane, virtually all cell. About 2 lakh volts per centimeter. तो जो पोटेंशियल एनर्जी की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है उसमें चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज अप्रोक्सीमेटली 2 lakh volt पर सेंटीमीटर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सभी सेल्स के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्टेबिलिटी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द एनर्जी. ये आपने अभी लास्ट में पढ़ा था केमिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. उसके बाद जो आपका थर्ड आएगा बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स में वो आएगा इंटर कन्वर्टेबिलिटी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द एनर्जी. जितनी भी एनर्जी की फॉर्म में जितनी भी एनर्जी होती है वो इंटर कन्वर्टेबल होती है, ठीक है, अंदर ही अंदर चेंज होती रहती है. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स एनर्जी. ये जो आपका फर्स्ट लॉ था थर्मोडायनामिक्स का आपने पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा, ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा. जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का वो क्या कहता है कि एनर्जी ना तो मतलब खत्म हो सकती है ना ही उसे हम बना सकते हैं, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ले जाके कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉय, ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. लेकिन क्या हो सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है. जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है तो उसे क्या बोला गया है, इंटर कन्वर्टेबिलिटी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द एनर्जी. दैट मीन्स उस एनर्जी को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. इंटर मतलब इनर, अंदर की साइड ही हम उसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन वो एनर्जी ना ही तो क्रिएटेड कर सकते हैं हम उसे न्यू तरीके से, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इन फोटोसिंथेसिस एग्जांपल के लिए ले लेते हैं. फोटोसिंथेसिस द रेडियंट एनर्जी ऑफ लाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. तो जो रेडियंट एनर्जी होती है यानी कि जो सनलाइट की एनर्जी होती है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. क्रिएट थोड़ी ना हुई है, ठीक है, ना ही वो क्रिएट हुई है ना ही वो डिस्ट्रॉय हुई है. क्या हुआ है वहां पे, जो आपकी केमिकल जो सनलाइट की एनर्जी है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है. तो फोटोसिंथेसिस में जो रेडिएंट एनर्जी होती है लाइट की इज ट्रांसफर्ड इनटू द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम इन द सोर्स और स्टार्च मॉलिक्यूल. किस किस के बीच में, बिटवीन द एटम ऑफ द सुक्रोज और या फिर स्टार्च मॉलिक्यूल के बीच में वो इंटर कन्वर्ट होती है, ना ही वो क्रिएट होती है ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है. सनलाइट से आई एनर्जी, सनलाइट से जैसे ही एनर्जी आई कैप्चर की मॉलिक्यूल ने तो उसे उसने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. इन मसल्स एंड नर्व्स केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कोवेलेंट बॉन्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली इनटू काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी. मसल्स और नर्व सेल्स की बात करते हैं तो वहां जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ट्रांसफॉर्म्ड होती है काइनेटिक और इलेक्ट्रिक एनर्जी में. In all cells, chemical potential energy released by breakage of certain chemical bond. ठीक है, सभी cells में क्या होता है, जो chemical potential energy होती है वो मतलब कुछ chemical bonds जब break हो जाते हैं तो उसके थ्रू वो रिलीज हो जाती है. जो कहाँ पे यूज होती है रिलीज होने के बाद, एंड इट इज यूज टू जनरेट पोटेंशियल एनर्जी. कहाँ पे जनरेट होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जनरेट होती है, इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट. और पोटेंशियल एनर्जी में भी किस फॉर्म में जनरेट होगी, तीन फॉर्म बताई थी मैंने पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी में भी कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में जनरेट होती है.
Okay. Similarly, energy stored in chemical concentration gradient or electric potential gradient is used to synthesize chemical bond. और जो energy वहाँ पे create हो रही है concentration या electric potential gradient की form में, वो क्या काम कर रही है? वो फिर से chemical bond को बनाने का काम कर रही है. ठीक है, मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर देती हूँ. सभी सेल्स में जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रिलीज होती है किसके थ्रू? कुछ सर्टेन केमिकल्स बॉन्ड के ब्रेक होने से वो एनर्जी रिलीज हो जाती है. जो कहाँ यूज होती है? वो यूज होती है पोटेंशियल एनर्जी में यूज होती है. किस फॉर्म में यूज होती है? कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में यूज होती है. और फिर जैसे ही यूज होती है तो उसका भी तो कोई काम होगा. तो उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है फिर से केमिकल बॉन्ड को बनाने का काम होता है, या फिर ट्रांसपोर्ट अदर मॉलिक्यूल या दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. This latter process occur during the transport of nutrient such as glucose, जैसे कि ग्लूकोज में, into certain cell and transport many waste product out of the cell. Because all forms of energy, because all forms of energy are interconvertible, they can be expressed in same unit of measurement. किलो कैलोरी और कैलोरीज. किस किस फॉर्म में यूज होती है? कैलोरीज की फॉर्म में या किलो कैलोरीज की. तो किस फॉर्म में यूज होती है? कैलोरीज की फॉर्म में या किलो कैलोरीज की फॉर्म में यूज होती है. बिकॉज बायोलॉजिकल सिस्टम आर जनरली हेल्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी बाय यूजिंग अ मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज फ्री एनर्जी. ठीक है, तो आप जो चेंजेस होगा फ्री एनर्जी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. क्योंकि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जनरली एक बायोलॉजिकल सिस्टम अगर हम अपने बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हैं तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और एक कांस्टेंट प्रेशर होता है. ठीक है, तो इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी. तो जो डायरेक्शन होती है केमिकल एनर्जी की वो पोटेंशियल एनर्जी की मेजरिंग के यूज करने की फॉर्म में होती है, जिसे फ्री एनर्जी बोलते हैं. फ्री एनर्जी या फिर जी. आफ्टर द ग्रेट अमेरिकन केमिस्ट जोसे बिलर्ड गिब्स, अ फाउंडर ऑफ द साइंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो जो गिब्स साइंटिस्ट थे, गिब्स जोसेफ बिलर्ड गिब्स से ही वहां जी निकल के आया है, डेल्टा जी. तो उन्होंने थर्मोडायनामिक्स के थर्मोडायनामिक्स में अपना योगदान दिया. तो गिब्स ने शो किया दैट अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एज जनरली फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम. उन्होंने ये बताया कि जो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में जनरली पाया जाता है. ऑल सिस्टम चेंज इन सच अ वे दैट फ्री एनर्जी इज मिनिमाइज. जैसे ही पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है या होता है तो वहां पर जो फ्री एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है. ठीक है, तो ये जो स्लाइड है दैट ये है अबाउट द चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी डिटरमाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. बिकॉज बायोलॉजिकल सिस्टम आर जनरली हेल्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर,
क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल एनर्जी. तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे पॉसिबिलिटी होती है जो केमिकल रिएक्शंस की डायरेक्शन होती है वो किसके थ्रू प्रिडिक्ट की जाती है, किसके थ्रू प्रिडिक्ट होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी के मेजरमेंट के थ्रू प्रिडिक्ट होती है, जिसे फ्री एनर्जी बोलते हैं या जी बोलते हैं. आफ्टर द ग्रेट अमेरिकन केमिस्ट जोसिया विलर्ड गिब्स, अ फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. तो गिब्स ने बताया कि गिब्स शो दैट अंडर कंडीशन ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एज जनरली फाउंडर इन बायोलॉजिकल सिस्टम ऑल सिस्टम चेंज इन सच अ वे दैट फ्री एनर्जी इज मिनिमाइज. जैसे ही पूरा सिस्टम चेंज होता है बायोलॉजिकल सिस्टम, वहां पे फ्री एनर्जी एकदम मिनिमाइज हो जाती है. In general, we are interested in when free energy molecule configuration is changed into another. जैसे ही free energy एक form से दूसरी form में change होती है तो क्या होता है, Gibbs यानी कि Gibbs capital G है, free energy change यानी कि delta जो differences show करेगा, delta G is equal to G product then G reactant. तो thus our concern is with relative rather than absolute value of free energy, in particular with the differences between the value before and after the change. Thus, this free energy delta G, where delta stand for differences, is given by G product minus G reactant. Mathematical terms की बात करते हैं तो वहां पे आता है Gibbs law. Gibbs law बोलते हैं दिस सिस्टम चेंजेस द मिनिमाइज फ्री एनर्जी, इट इज सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट डेल्टा जी. इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर केमिकल रिएक्शन और मैकेनिकल प्रोसेस, द फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रोसेस विल टेंड टू अकर स्पॉन्टेनियसली. ठीक है, अगर ये नेगेटिव होगा किसी भी प्रोसेस केमिकल रिएक्शन के लिए तो वो अपने आप से स्पॉन्टेनियसली वो प्रोसेस रन होता रहेगा. ठीक है, अगर डेल्टा जी इज पॉजिटिव the reverse reaction will tend to occur. अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन या मैकेनिकल प्रोसेस के लिए तो ये रिएक्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होता रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है रिवर्स रिएक्शन के लिए तो वहां पर प्रोसेस कराया जाता है, will tend to occur. अगर डेल्टा जी जीरो होता है both forward and reverse reaction occur at equal rate, the reaction is at equilibrium. तो वहां पे क्या होगी, reaction equilibrium होगी, the reaction is at equilibrium. The value of delta G, like the equilibrium constant, is dependent on the of the reaction mechanism and rate. तो delta G की value किस चीज के ऊपर depend करेगी, वो reaction के mechanism और rate के ऊपर depend करेगी. Reaction with negative delta G value that have very slow rate constant may not occur. अगर reaction delta G value के साथ negative है तो वहां पर जो रेट होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा और कांस्टेंट वैल्यू वहां पर नहीं आएगी. फॉर पर्टिकुलर पर्पस अनलेस ए कैटलाइज्ड इज प्रेजेंट बट द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज्ड डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी. इस प्रोसेस के लिए अगर वहां पे कैटलाइज भी प्रेजेंट होता है कोई तो वो कैटलाइज भी डेल्टा जी की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकता. Next slide, the delta G of reaction depend on charge, enthalpy and entropy. Enthalpy और entropy की जो energy होती है उनके ऊपर depend करता है जो delta G reaction होती है. At any constant temperature and pressure, two factors determine the delta G of a reaction and thus whether the reaction will tend to occur, the changes in bond energy between reactant and product and the changes in randomness of the system. Gibbs show that free energy can be defined as, Gibbs ne free energy ko kaise define kiya, G is equal to H minus TS. H kya hai, that is the bond energy. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी को क्या बोला गया है, एंथैल्पी बोला गया है, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम.
टी क्या है, टी इज द टेम्परेचर इन द डिग्री, ठीक है, टी इज द टेम्परेचर इन द डिग्री, जिसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, और एस क्या है, एस इज द रेंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, जिसे एंट्रोपी बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, एच इज द एंथैल्पी एंड टी इज द टेम्परेचर यानी कि डिग्री केल्विन एंड एस इज द एंट्रोपी, ठीक है। एस रिप्रेजेंट कर रहा है एंट्रोपी को, एच रिप्रेजेंट कर रहा है एंथैल्पी को, एंड इफ द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो रिएक्शन प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, तो रिएक्शन अपने आप से होगी। ओनली इफ द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इन द फॉलोइंग इक्वेशन इज नेगेटिव, और अगर डेल्टा जी चेंज होता है तो जो इक्वेशन होगी ये नेगेटिव हो जाएगी।